प्यारे भाइयों और बहनों हसब मामूल, आज भी एक नए वाके एक सच्चे क़स्से और उससे माखूत फवायद और इबरतें लेकर के हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के क़स्से का नबी करीम सल्लल्लाहु सल्लम की एक मुबारक हदीस के एक टुकड़े से माखूज है यानी मुनकिर इनकार करने वाला हलफ उठाए ये वाकया इराक़ के एक मशहूर आलिम और अदीब महमूद शी ख़त्ताब रहमहुल्लाह अपनी किताब समा में नकल करते हैं और ये वाकया उनके बिल्कुल पड़ोस का है जिस औरत से मुताल का वाकया है उस वादा से खुद उन्होंने मुलाकात उसकी जुबान से सुना है इसलिए उन पर एतबार करते हुए एतमाद करते हुए मैं ये वाक आपके सामने रख रहा हूं ये वाक सन उन्नीस सौ चौवन के करीब का है और इराक के एक शहर मूसिल का वाक़ है उस शहर के अंदर एक अल्लाह के नेक बंदे हाजी इब्राहिम मोहम्मद रहा करते थे अल्लाह तबारक वाले ने उन्हें माल दिया था और माल के साथ साथ अल्लाह तबारक वत ने उन्हें दिल भी दिया था चुनानचे वो गरीबों की मदद करते थे जो कर्ज लेने आता उसे कर्ज दिया करते थे हाजतमंद जो लोग होते थे उनकी ज़रूरतें पूरी किया करते थे तो एक दिन दरियाए दजला के किनारे खान शक्त नामी जगह पर अपने ऑफिस में वो बैठे हुए थे कि एक नौजवान उनके पास आता है और उन्हें अपने वालिद का हवाला देता है और यह कहता है कि मैं आपके पड़ोसी में रहता हूं मेरे वालिद से आपके अच्छे दोस्ताना ताल्लुक और मरासिम रहे हैं बल्कि मेरे वालिद हमें यह वसीयत करते रहे हैं और वसीयत करके गए हैं कि बेटा अगर कोई जरूरत पेश आए तो हाजी इब्राहिम साहब की तरफ रुजू करना वो तुम्हारी जरूरत पूरी करेंगे तो उस लड़के ने कहा कि हाजी साहब इसी मकसद के लिए मैं हाजिर हुआ हूं आज आप देख रहे हैं कि पिछले साल खुशक साली किस तरीके से मुसलत हुई हमने बैंक से ले कर्ज लेकर के जो खेत में बीज वगैरह डाले थे खुश्क साली की वजह से खेती जब अच्छी नहीं हुई तो आज तक मैं बैंक का कर्ज नहीं अदा कर सका हूं और फिर नया मौसम आ रहा है बीज डालने का लोगों के सामने मेरी एक तरफ बड़ी बेइज्जती हो रही है कि यह कर्ज नहीं अदा कर रहा है दूसरी तरफ बैंक हमसे बार बार मुतालबा कर रहा है लिहाजा बड़ी उम्मीद लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं कि आप मुझे डेढ़ हजार दीनार कर्ज दे दीजिए मैं उससे बैंक का कर्ज भी अदा कर दूं और नई फसल के लिए कुछ बीज वगैरह और खाद वगैरह भी खरीद लूं और जब फसल कटेगी तो आपका कर्ज में वापस कर दूंगा हाजी साहब अपनी जगह से उठे तिजोरी को खोला और तिजोरी खोल करके उसमें से डेढ़ हजार दीनार ला करके उस जवान को दे दिया और जवान से कहा जाओ तू अपनी जरूरत पूरी करो जब तुम्हारे पास होगा तो मुझे वापस कर देना जवान ने मुतालबा किया कि अगर कहीं मुझसे दस्तखत लेनी है मुझे कोई क्लिप देनी है तो वो लिख दीजिए मैं उसको अपने पास महफूद रखता हूं ताकि ये कर्ज का जो एक वसूल है वो चलता रहे हाजी साहब ने कहा कि कोई लिखने की जरूरत नहीं है ये कर्ज मैं अल्लाह ताला के लिए दे रहा हूं और अल्लाह ताला ही गवाह है लिहाजा हाजी साहब ने अपने रोजनामा पर यह तो नोट कर दिया कि आज के दिन हमने फला को इतने दिनों के लिए बतौर कर्ज के इतने पैसे दिए हैं लेकिन उससे कोई दस्तखत वगैरह नहीं ली चुनाचे वो शख्स गया और अपनी जरूरत पूरी की इतफाक इतफाक ये कहिए कि अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि हार्ट अटैक में हाजी साहब इंतकाल कर गए उस वक्त उनका सबसे बड़ा बच्चा तेरह साल का था उनकी बीवी बड़ी परेशान हुई जाहिर बात है परेशानी का आलम भी है कोई इन कारोबार को संभालने वाला नहीं है तो चंद दिन हफ्ते दस दिन पंद्रह दिन तो इसी आने जाने वाले लोगों में ताजियत करने वालों में गुजर गए उसके बाद उनकी बीवी ने हाजी साहब की बीवी ने अपने एक भाई जो वकील था उसे बुलाया और पूरा अपना दफ्तर जो रोजनामा है हिसाब है लेन देन का मामला देखने लगी तो उसमें हाजी साहब ने जो कर्ज दिया बल्कि एक बात और जिक्र कर दूं जो मेरे जहन से निकल गई है ये औरत कहती है कि मैं हाजी साहब से कहा करती थी कि आप हर कसो नाकस को ऐसे कर्ज दे दिया करते हैं कोई उस पर न गवाही है ना कहीं आप उससे कोई दस्तखत लेते हैं सिर्फ आप नोट करके रख दिए उसके आगे वो दस्तखत नहीं कर रहा है कल इनकार कर देगा तो हाजी साहब कहते थे कि देखो मैं यतीम था अल्लाह ने मुझे सहारा दिया है मैं फकीर था अल्लाह तला ने मुझे माल दिया है लिहाजा किसी मांगने वाले किसी तलब करने वाले को मैं वापस नहीं करूंगा और कहते थे काश के हर कब्र वाले के पास ऊपर मेरा कर्ज होता तो अलाकुल्लहाल जब उस औरत ने उन दफ्तरों का मुआयना किया अपने भाई के जरिए जो वकील था तो मालूम हुआ कि किसका लेन देन है क्या हाँ है किसको देना चाहिए किसको लेना चाहिए तो एक नाम इस जवान का भी मिलता है जिस जवान ने डेढ़ हजार दीनार का कर्ज लिया था अब जब कुछ दिन गुजर गए वो मौसम भी आया और गुजर गया तो किसी शख्स को इस औरत ने इस शख्स के पास भेजा कि जाओ उससे तकादा करो और कर्ज लेकर के आओ लेकिन उस शख्स ने इनकार कर दिया कहा इसमें कोई शक नहीं कि हाजी साहब ने मुझे दिया था लेकिन वक्त पर हमने पैसा वापस कर दिया हाजी साहब कर्ज वापस कर दिया है अब मेरे ऊपर हाजी साहब का कोई हक नहीं है लेकिन औरत अपने शोहर का जो मामूल जानती थी उसे इत्मीनान नहीं हुआ ये कहता है कि मुझे इनकार नहीं है कि हमने पैसा लिया था लेकिन हकीकत यह है कि हमने उनका पैसा वापस कर दिया आज मेरे ऊपर उनका कोई हक नहीं है औरत ने कुछ असहाब खैर को कुछ नेक लोगों को समझदार लोगों को दरमियान में डाला कि अपने लिए बर्बादी का सामान ना करें किसी का हक ना मारे अब मैं बेवा हूं यतीम बच्चे हैं मुझे इनका मामला चलाना है अब ये हाजी साहब का जो कारोबार है मैं नहीं संभाल सकती मुझे तो सिर्फ अब ये देखना है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालू तो लिहाजा उसको समझाइए कि वो पैसा दे दे हाजी साहब की जो आदत रही है कि अगर कोई पैसा वापस करता तो उसके सामने लिख देते थे कि फला तारीख को इसने वापस किया है इसने पैसा लिया है लेकिन ये नहीं लिखा कि इसने पैसा वापस किया है लिहाजा ये पैसा उसके ऊपर बाकी है लेकिन वो शख्स इनकार करता रहा अब माहौल में मोहल्ले के अंदर लोग दो हिस्सों में बैठ गए जैसा कि हर जगह का माहौल है ही तरीका है कुछ लोग कहते कि ये आदमी बड़ा ही बदबخت है बड़ा ही बेमुरोवत आदमी है कि मुश्किल वक्त में हाजी साहब इसके काम आए और अब ये इनकार कर रहा है और कुछ लोग कहते कि नहीं बहुत माकूल सी बात है कितने देर तक सब्र करेंगे मौसम आया गुजर गया हाजी साहब ने उनके मुतालबा नहीं किया और यह कह रहा है कि हाँ हमने वापस कर दिया तो इसका मतलब है कि इसने वापस कर दिया है अब माहौल में मोहल्ले में दो किस्म के लोग हो गए कोई हाजी साहब उनकी बीवी की ताइद करता है और कोई जवान की ताइद करता है अला खुलहाल वो बेवा औरत कहती है कि मुझे यकीन था कि इस शख्स ने वापस नहीं किया है लिहाजा अपने वकील भाई की मदद से इसने कोर्ट में कादी के पास जाकर के दावा दायर कर दिया कि फला का हमारा इतना पैसा है हाजी साहब ने उसे इस तारीख को इतनी रकम दिया और इसने वापस नहीं किया है अब कादी के सामने यह मामला पेश हुआ महमूद शी खताब रहमला कहते हैं कि कादी ने खुद मुझसे बयान किया कि हमने जब केस को सुना तो मुझे ये यकीन की हद तक ये बात थी कि यह शख्स मुजरिम है इसने पैसा वापस नहीं किया लेकिन इस बेवा औरत के केस में कोई दम नहीं था सिर्फ इतनी बात कि हाजी साहब ने इसे पैसा दिया है इतनी बात इसके ऊपर दावा साबित करने के लिए जरूरी नहीं है क्यों इसलिए कि यह इनकार नहीं कर रहा यह तो इकरार कर रहा है कि हाँ हमने पैसा लिया लेकिन यह नहीं मान रहा है कि हमने वापस ना किया हो वो है कि हमने वापस कर दिया है लिहाजा अब आखिरी मामला जो आया वो इस पर मामला ठहरा कि अलबैर अला अलामन अनकर जो उसूल है वो यह है कि दावा पेश करने वाला दलील पेश करे कि मामला ऐसा है अगर उस दलील उसकी कमजोर है दलील नहीं पेश कर सकता तो जिसके ऊपर दावा किया है वो हलफ उठाए कि हमने ऐसा नहीं किया है हमारे खिलाफ ये दावा गलत है चुनानचे जब मामला यहां तक पहुंचा कि हलफ उठाए तो कादी कहते हैं कि मैं एक बार झिझका लेकिन अब चूंकि मुझे फैसला करना है ये मुद्दा ही है और ये मुद्दा अलह है तो हमने उससे कहा क्या तुम हलफ उठा सकते हो कि हाजी इब्राहिम का मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है मेरे ऊपर कोई पैसा नहीं है ना इससे मुतालिक ना किसी और से मुतालिक वो कहता है मैं तैयार हूं चुनान उसने वजू किया वजू के बाद आकर के कुरान मजीद पर हाथ रखकर कहता है मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि हाजी इब्राहिम मोहम्मद का मेरे ऊपर कोई पैसा नहीं है ना यह जो लिखा हुआ है और ना ही इसके अलावा कोई पैसा नहीं है इसने तीन बार यह हलफ उठाया और उसके बाद ने यह फैसला कर दिया कि यह दावा खारिज किया जाता है और इस शख्स को बरी किया जाता है मजलिस बर्खास्त हुई लोग वहां से उठे वो औरत भी वहां से चली और वो शख्स भी अपना सर ऊपर उठाए हुए सीना ताने हुए फतह याब भो करके कोर्ट से निकलता है और अभी कोर्ट के दरवाजे से सिर्फ दो या तीन कदम आगे रखता है कि बेहोश होकर के गिर गया जमीन पर लोग भाग करके आए देखे उसका चेहरा पीला पड़ गया जिसमें की हरकत कम हो गई आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल ठंडा होने लगा लोग कहने लगे अरे मर गया मर गया मर गया शेख महमूद बिन शी खतब रह्ला कहते हैं कि ये जो औरत थी मेरी बीवी की रिश्तेदार थी और मेरे पड़ोस में रहती थी लिहाजा हमने चाहा कि आम लोगों से उस कादी से हमने तो एक किस्सा सुना था हमने चाहा कि डायरेक्ट और बिला वास्ता जाकर के उससे इस किस्से को सुने तो उससे हमने कहा कि आखिर तुमने जब कादी फैसला कर रहा था और कादी ने फैसला किया तो तूने उस वक्त क्या सोचा और क्या कहा कहा कि उस वक्त जब हमने देखा कि नाजायज तौर पर मेरा और इन बच्चों का हक मार रहा है यतीम बच्चों का तो हमने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की थी साथियों बड़ा मुश्किल मरहला हुआ करता है और अल्लाह तबारक वाल ऐसे वक्त की दुआ को जये नहीं करता बड़ा मुश्किल मरहला होता है उसने कहा कि हमने दुआ की कि आसमान और जमीन के मालिक ए गैब और हाजिर हर बात को जानने वाले तो जानता है कि एक शख्स झूठा है हाजी इब्राहिम के मासूम और छोटे बच्चों का हक मार रहा है अगर यह शख्स झूठा है तो इसे लोगों के लिए इबरत बना और मैं देख रही थी कि मेरे सामने अकड़ करके जा रहा है तंदुरुस्त है हर किस्म की बीमारियों से बरी है लेकिन अभी चंद कदम आगे बढ़ता है कि बेहोश होकर के गिरा और मर गया अल्लाह ताला ने उसे लोगों के लिए इबरत बना दिया साथियों किस्सा यहीं पर खत्म नहीं हुआ है किस्से का भी एक हिस्सा बाकी है जो एक मशरकी औरत की खूबी और इबरत के लिहाज से हमारी बहनों के लिए बड़ा अहम है शेख महमूद बिन शीश खत्ताब रहमोल्ला कहते हैं इसके इंतकाल के अभी चंद हफ्ते हुए होंगे सर्दी का मौसम था हल्की हल्की बारिश हो रही थी रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया था माहौल बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था लोगों की आमदोरफ्त खत्म हो गई थी कि अचानक हाजी इब्राहिम के घर पर दस्तक होती है हाजी इब्राहिम की बीवी अपने बच्चों को नहीं भेजती पता नहीं कौन है चोर है क्या है इसलिए कि अब एक वाकया हुआ है ना कि वो इसी वजह से मारा गया है खुद आगे बढ़ती है दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है कि एक औरत अपने तीन या चार साल के बच्चे को अपने साथ लिए हुए उसका हाथ पकड़े काले कपड़े में मलबूस है और हाजी इब्राहिम की बीवी को से सुने बगैर हाजी इब्राहिम की बीवी से कहती है कि ये आपके डेढ़ हजार दिरहम है इसे लीजिए मेरे शौहर को अल्लाह तबारक वाला ने उनके जुर्म की सजा इस दुनिया में दे दी है दुनिया में अल्लाह ने उन्हें इसे इबरत बनाया है मैं उन्हें समझाती रही मैं जोर देती रही कि यतीम बच्चों का हक ना मारी। हाजी साहब ने आपके साथ मेहरबानी की है लेकिन उन्होंने हमारी एक बात ना सुनी आज अल्लाह तबारक तआला ने इसी दुनिया में उनके गुनाहों की सजा उनको दे दी है ये आप अपना डेढ़ हजार जो उनके ऊपर था उसे लीजिए उन्हें माफ कीजिए यह कह करके वो देती है और फिर बगैर इसके कि हाजी इब्राहिम की बीवी कुछ से कहे रोके सीधे वापस चली जाती है साथियों ये एक किस्सा है और किस्सा नहीं बल्कि वाकया है और वाकया नहीं बल्कि बिल्कुल सच्चा वाकया है अब हमें और आपको हसब दस्तूर ये देखना है कि हमें और आपको इससे क्या इबरत और क्या सबक मिलता है हमें आपको इससे क्या इबरत लेनी चाहिए इस वाक़े से हमें और आपको जो सबक मिलते हैं उनमें से सबसे पहला सबक झूठी कसम की कबाहत है झूठी कसम खाना खासकर अगर यही झूठी कसम किसी का हक मारने के लिए खाई जाए तो उसकी कवाहत मज़ीद बढ़ जाती है इसीलिए उसे अल यमीनुल गमूस कहते हैं यानी वो कसम जो इंसान को गुनाहों के अंदर डुबो करके रख देती है नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम ने इसकी कबाहत बयान करते हुए फरमाया मनिकता हक मुसलमिन बेयमीन ही जो शख्स किसी मुसलमान का हक अपनी कसम से खाता है यानी कसम उठा करके खाया करता है फकत फकतार अल्लाह तबारक वाल उसके ऊपर जन्नत को हराम कर देता है और जहन्नम को वाजिब कर देता है यह सुन करके एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम, खा वो कोई छोटी ही चीज हो आप फरमाया व क़दीबा मिन अराकिन। अगर वो अराक का एक मिसवाक ही क्यों ना हो इतनी ही छोटी चीज हो अगर किसी मुसलमान का हक हाँ झूठी कसम खा करके खाता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके ऊपर जहन्नम को वाजिब और जन्नत को हराम कर देता है दूसरा फायदा यतीम और बेवा के हुकूक की पामाली अल्लाह तला के लद्दीख नाकाबिल जुर्म है किसी के भी हुकूक पामाल करना जायज नहीं है जहन्नम के अजाब को अपने लिए दावत देना है लेकिन अगर यही हक हाँ, यतीम बच्चों और बेवा औरतों का है तो यह चीज मजीद इसकी कबाहत बढ़ती के नजदीक नाकाबिल तभी तो हमारे नबी सलामरा तबारा को ताला में दो कमजोर एक यतीम और एक, और एक औरत के हक मारने को ताकत के साथ हराम करार देता हूं इसी तरीके से इस किस्से से एक फायदा ये भी है कि मजलूम की दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूल करता है ये बेवा औरत मजलूम थी उसने अल्लाह के सामने जब हाथ उठाए और दुआ किए तो उस दुआ का असर यह हुआ कि वो शख्स इस दुआ के चंद मिनट ही नहीं बल्कि चंद सेकंड बाद जिंदा रहा बाकी वो इस दुनिया से रुख्सत हो गया इसी तरीके से चौथा बड़ा अहम फायदा और हमारे लिए बाई से इबरत वो ये कि माल और दुनिया की मोहब्बत इंसान को हलाक कर देती है यह शख्स हलाक क्यों हुआ, हुआ, हुआ। इसलिए कि वो तो माल की मोहब्बत में पढ़ करके दुनिया की मोहब्बत में पढ़ करके उसने झूठी कसम खा ली तो माल की मोहब्बत और औलाद की मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत इंसान को हलाक कर देती है और सबसे बड़ी हलाकत यह है कि उस चीज से इंसान इस दुनिया में फायदा ना हासिल कर सके यह बहुत बड़ी हलाकत है सबसे बड़ी हलाकत क्या है कि दुनिया में फायदा जैसे वो शख्स इस मार से इस दुनिया में फायदा हासिल नहीं कर सका और अल्लाह ताला ने उसे अपने आदाब में गिरफ्तार कर लिया इसी तरीके से एक शराय असूल यह है कि असल कायदा यह है कि मुद्द अपने दावे पर दलील पेश करे यानी अगर कोई दावा पेश करता है तो उसे चाहिए कि वो दलील पेश करे लेकिन अगर वह दलील नहीं पेश कर सकता तो मुद्दा से कसम ली जाएगी और उसके कसम के मुताबिक फैसला किया जाएगा अब मुद्दई को उस पर एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं रहेगा खा फैसला उसके खिलाफ ही क्यों ना हुआ हो हु। इसी तरीके से छठा एक बड़ा अहम फायदा इस पर गौर करें। हाकिम और कौजी अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं करेगा जो जाहरी मामला है उसको देख करके फैसला करेगा यह कौजी यह जानता था कि वह शख्स झूठा आए लेकिन अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं किया उसके सामने जो दलायल पेश किए जा रहे हैं उसके मुताबिक फैसला करेगा इसीलिए नबी करीम वसल्लम खुद अपने इल्म के मुताबिक फैसला बसाओकात आप जानते थे कि झूठा ये, ये ना हक है ये मामला लेकिन फैसला वही करते थे जिसके बारे में असूल के लिहाज से मामला चलता रहता था यानी जहां पर दलील मौजूद होती थी या मुमकिन कसम उठा लेता था सातवां अहम फायदा ये जिसके ऊपर गौर करने की जरूरत है और बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं वो ये कि हाकिम का फैसला किसी हलाल को ना तो हराम करता है ना हराम को हलाल करता है बाद लोगों से हमने सुना कि आखिर हम क्या करें हाकिम ने कोर्ट से हमारे हक में फैसला हुआ है ये उस चीज से आपके मुस्तफीद होने के जवाब की दलील नहीं है असल चीज क्या है क्या वो आपका हक है वो जमीन जिसके लिए आपने अपने हक में फैसला लिया है ये आपका हक है अगर आपका हक है तब तो जायद है और अगर आपका हक नहीं है तो आपके लिए जायद नहीं है इसी पर मुतनबे करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जैसा कि सही बुखारी के अंदर आप का फरमान है कि तुम लोग मेरे पास अपने मसाय लेकर के आते हो अपने झगड़े लेकर के आते हो कि मैं फैसला करूं तो आपने बयान फरमाया हो सकता है तुम्हें का कोई शक्त अपनी हुज्जत को दूसरे के मुकाबले में अच्छे अंदाज में पेश कर सके ज्यादा बेहतर अंदाज में पेश कर सके और मैं उसकी बात को सुन करके उसके मुताबिक फैसला कर दूं। लेकिन याद रखे अगर वो गलत है अगर हमने किसी के बारे में उसके भाई के खिलाफ फैसला किया है हक दूसरा था लेकिन हमारा फैसला जाहिर देख करके गलत हो रहा है तो ऐसे मौके पर याद रखे कि मैं उसके लिए जहन्नम का एक टुकड़ा तोड़ करके दे रहा हूं यानी यह चीज उसके लिए जायज नहीं होगी तो कहने का मतलब यह है कि यह चीज बड़ी अहम है हमारे बहुत से भाई इस बारे में धोखा खाते हैं और हुज्जत पेश करते हैं हम क्या करें कोर्ट ने हमें दे दिया है नहीं कोर्ट के देने से कोई चीज आपके लिए जायज नहीं हो सकती है अगर आपको दे भी दिया है आपके वालिद को मिल भी गई है वो चीज तो आपका हक बनता है कि वो चीज उसे वापस करें साहेब हक को उसका हक दे वरना क्यामत के दिन अल्लाह ताला ये हक आपसे दिलवाएगा और आखिरी फायदा जो बड़ा अहम है वो ये है कि हमारे मशरकी समाज और खसूस मुसलमानों में औरतों के दिल में अपने शोहरों की मोहब्बत पर मिसाल होती है काश के लोग इस पर तवज्जो दें और अपनी बीवियों के हकूक अदा करने की कोशिश करें वो शौहर बुरा होता है शौहर बसा औकात बदअमल हुआ करता है लेकिन औरत अपनी मोहब्बत और अपने ताल्लुक का हक अदा करती है जैसे आपने देखा होगा कि यह शख्स दुनिया से जा चुका उस बीवी के लिए अब वो माल हलाल हो सकता था क्यों इसलिए कि उस बीवी ने उसे नहीं लिया था लेकिन अपने शौहर की मोहब्बत में उसने क्या काम किया रात की तारीखी में आकर के वो हक उसे वापस किया और मुतालबा किया कि उसे दुनिया में तो सजा मिल गई है अलबत् आखरत की सजा से बचाने के लिए ये माल आप ले लीजिए और उसे माफ कर दीजिए सच कहा है अकबर इलाहाबादी मरहूम ने यहाँ की औरतों को इल्म की परवाह नहीं बेशक यहां की औरतों को इल्म की परवाह नहीं बेशक मगर वो शौहरों से अपने बेपरवाह नहीं होती अल्लाह तबारक वाले हमारी तमाम बहनों को अपने शोहरों के हक अदा करने की तोफीक अता फरमाए अल्लाह ताला हम में से हर शख्स को दूसरों के हुकूक से इस दुनिया में बरी हो जाने की तोफीक अता फरमाए आज की मजलिस यहीं पर रोकते हैं अगली मजलिस एक नए किस्से के साथ आपके साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए आपसे इजाज़त है असल वरहमतुल्लाहि वरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें